हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD नोटिफिकेशन आए हैं उसमें जो नया अपडेट है वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो जो वैकेंट सीट्स के डिटेल्स थे वो हमने पिछले नोटिफिकेशन में देखे थे, बट अब रिवाइज्ड वैकेंट सीट्स के डिटेल्स आए हैं। इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम के लिए टोटल 1000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। सो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन कैंडिडेट्स ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करके रखे हैं एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पे PhD एंट्रेंस टेस्ट अब देना चाहते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू वेकेंट सीट्स डिटेल्स वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फैकल्टीज एंड सब्जेक्ट्स हम इस वीडियो में सारी सीट्स के डिटेल्स देखेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड यहाँ पे PhD एडमिशंस के अंदर आपको रिवाइज्ड वैकेंसी फॉर PhD ये नोटिफिकेशन नज़र आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशंस एंड PhD जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। सो रिवाइज्ड वैकेंसीज फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम सेशन 2022-23। सो यहाँ पे आपको अवेलेबल वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड PWD यानी कि हैंडीकैप कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए दिखाई देंगे। सो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में एग्री इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में देर आर 5 सीट्स फॉर जनरल, 1 सीट फॉर PWD। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1 सीट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी 3-1, प्लांट पैथोलॉजी 2-1, होम साइंस 1-1, फाइन आर्ट 6-1, इंग्लिश 18-1, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 9-1, मलयालम 6-1, पंजाबी 1, बंगाली 1, तमिल 3, तेलुगु 2, मराठी 2, परिशियन 12-2, अरेबिक 7-2, लिंग्विस्टिक 6-1, हिंदी 17, फिलोसॉफी 1, संस्कृत 1, उर्दू 10, कॉमर्स 25-4, अप्लाइड फिजिक्स 3-1, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 31-3, सिविल इंजीनियरिंग 121-8, अप्लाइड केमिस्ट्री 10-1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 105-7, केमिकल इंजीनियरिंग 28-1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 44-3, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 58-3, अप्लाइड मैथमेटिक्स 17-1, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 26-1, नैनो टेक्नोलॉजी 5, बायोमेडिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग 2, आर्किटेक्चर 3-1, वेस्ट एशियन स्टडीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज 3-1, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज 2, लॉ 23-3, वाइल्ड लाइफ साइंसेज 18-1, बायोकेमिस्ट्री 15-2, बॉटनी 17-3, जूलॉजी 34-4, बायोटेक्नोलॉजी 9-1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 7-2, बायोकेमिस्ट्री 13-1, फिजियोलॉजी 26-1, ट्यूबरकुलोसिस 5, प्लास्टिक सर्जरी 14-1, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी 5, क्लिनिकल साइकोलॉजी 1, फार्मेकोलॉजी 22-1, पीडियाट्रिक्स 15-1, एंडोक्राइनोलॉजी 2, न्यूरोसाइंस 1, एनाटॉमी 31-1, फिजिक्स 61-5, जियोलॉजी 9-3, कंप्यूटर साइंस 10-2, मैथमेटिक्स 19-3, केमिस्ट्री 61-5, जियोग्राफी 7, स्टैटिस्टिक्स 11-1, ऑपरेशंस रिसर्च 3, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशंस 4, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 3-1, साइकोलॉजी 5-1, हिस्ट्री 21-3, इस्लामिक स्टडीज 9-1, पॉलिटिकल साइंस 11-1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5-1, ह्यूमन राइट 4, एजुकेशन 32, इकोनॉमिक्स 23-2, फिजिकल एजुकेशन 18-2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 12-1, सोशियोलॉजी 18-2, सोशल वर्क 5, विमेन स्टडीज 1-1, मास कम्युनिकेशन 7-1, सनी थियोलॉजी 12-1, शिया थियोलॉजी 9-1। सो इतने सारे वैकेंट सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट्स आप सभी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म्स तो यहाँ पे फिलअप किए ही होंगे। सो इस यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशंस टेस्ट होने वाली है जिसके अभी तक डेट्स यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किए नहीं है, बट यूनिवर्सिटी अभी नोटिफाई करेंगी बिकॉज इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट्स थे वो अभी चल गए हैं एंड कुछ सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी तक जारी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, AMU PhD एडमिशंस टेस्ट में जो सेक्शन 1 है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, विच विल बी फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसके लिए आपको 50% MCQs पूछे जाएंगे, एंड जो सेक्शन 2 है विच विल बी फॉर
कंसर्न सब्जेक्ट जिसके लिए आपको 50% MCQs पूछ जाएंगे एंड आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके उसे क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। वी हैव 10 मॉक टेस्ट लाइक दिस, ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs, दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं बिफोर द एग्जाम। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन टेस्ट। ओके, इसमें आपको सॉल्ड PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो सॉल्ड PYQs PDF को रेफर करने के बाद आप सारे स्टूडेंट्स PYQs को सॉल्व कर सकते हैं, PYQs की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड काफ़ी सारे PYQs ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं, सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। पिछले साल हमारा जो रिकॉर्ड था विच वॉज बेसिकली 90% और उससे भी ज़्यादा था, सो इस साल भी यही रिकॉर्ड होगा बिकॉज जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को परचेस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की उतनी तैयारियाँ हम करवाते हैं कि सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क स्कोर करके PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसी के साथ आप सभी को AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 यानी कि कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर। ओके, सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको एग्जामिनर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन कंसर्न रिसर्च टॉपिक रिसर्च सब्जेक्ट। ओके, जिसके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड हम इसके रिगार्डिंग और एक नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली उर्दू के लिए आया है फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर द ईयर 22-23 डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हुए है। विदाउट लेट फीस जो लास्ट डेट थी वो थी 31 अगस्त, विथ लेट फी ऑफ 300 लास्ट डेट है 6 सितंबर 2023। प्रोसेसिंग चार्जेस है 750 फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड 8200 फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रॉम 8 सितंबर टू 12 सितंबर। द रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम हैज़ बीन अपलोडेड ऑन कंट्रोलर्स वेबसाइट, जो कि हमने अभी इसी वीडियो में देखा। ओके, सो दिस वॉज द नोटिफिकेशन एंड इसमें अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू।